हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुबली जोन के ऊपर। इसका एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है, किस किस डेट को इसका एग्जामिनेशन हो सकता है और एडमिट कार्ड इसका कब तक जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फेज 4 के अंदर यहाँ पर टोटल 3 RRC का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल है। कब से कब तक? तो दोस्तों, 19 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 7 अक्टूबर के बाद ही आपका यहाँ पर हुबली जोन का एग्जामिनेशन होने वाला है। साथियों, ये सवाल उठती है कि टोटल कितने दिनों तक यहाँ हुबली जोन का एग्जामिनेशन चलने वाला है। तो जैसा कि RRB का भी ट्रेंडिंग रहा है कि भाई एक दिन के अंदर लगभग 3 लाख के आसपास कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। हम लोग अप्रॉक्स लेकर चलते हैं दोस्तों कि एक दिन का जो हुबली जोन का है वो कम से कम 2 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हुबली जोन के अंदर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, जितने भी फॉर्म प्राप्त हुए हैं, वो लगभग 6.5 लाख के आसपास है। 6,50,000 के आसपास यहाँ से फॉर्म जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप मान के चलते हैं दोस्तों कि एक दिन के अंदर 2 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट यहाँ पे शेड्यूल किए जाते हैं, तो 3 दिनों के भीतर आपका हुबली जोन का एग्ज़ाम पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि किस डेट को यहाँ पर हुबली जोन का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 7 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा फेज 4 का एग्जामिनेशन। उसके बाद 8 अक्टूबर को देखिए सैटरडे पड़ता है, ठीक है, सैटरडे। और RRB का भी जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके अनुसार से सैटरडे और संडे का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और 9 तारीख को आपका संडे पड़ता है, ठीक है, 9 तारीख को आपका संडे पड़ जाता है। इस हिसाब से 8 और 9 को तो आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब डेट आपके सामने जो बच रहा है दोस्तों, वो है 10 तारीख का, ठीक है, 11 तारीख का और 12 तारीख का, ठीक है। तो ये 3 डेट के भीतर आपका जो है वो पूरा का पूरा हुबली जोन का एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप श्योर रहो दोस्तों, ये 3 डेट के भीतर आपका जो है वो हुबली जोन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस कब आएगी दोस्तों? तो देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिस जो है वो आप थोड़ा सा आपको सब्र करने की आवश्यकता है। यहाँ पे 10 अक्टूबर के आसपास इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी दोस्तों। वहीं अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है? देखिए साथियों, एडमिट कार्ड जनरली आपका 4 दिन पहले जारी होता है, ठीक है, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे 10 और 11 को होगा, तो ऐसी स्थिति में 4 दिन पहले 6 अक्टूबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा दोस्तों। तो इस डेट को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। सो आपको अभी से तैयारी लेकर के चलना है दोस्तों, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, एक स्मूथ वे में अपनी तैयारी को लेकर के चलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।